हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑनलाइन क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस लेसन अ डे इन द कंट्री एंड आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस लेसन। वी हैव लर्नड दिस लेसन फॉर 4 डेज एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन। So yesterday I told you to do question and answers, short answers by your own. I hope you have done it. And today I am going to tell you the answers of those questions. So let's start, okay? So in exercise, the first one is answer these questions briefly. Briefly means short. So सबसे पहला इसमें question पूछा गया है, What was Fiocla looking? Sorry, why was Fiocla looking for Terenty? Fiocla Terenty को क्यों ढूंढ रही थी? अब बच्चों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, क्योंकि Fiocla का भाई, जिसका नाम डैनियल का है, उसका हाथ फंस गया है पेड़ के पास, और इसलिए वो Terenty को ढूंढ रही है, क्योंकि Terenty ही उनकी मदद कर सकता है। Fiocla, the little girl, was looking for Terenty because Danilka, her elder brother, had fastened his hand under a tree. Terenty was the only person in the village who could help them out in this trouble. Okay? So Fiocla Terenty ko isiliye dhoond rahi thi kyunki uska jo bada bhai hai Danilka, usne apna haath fasa liya hai पेड़ के नीचे, और Terenty ही पूरे गांव में इनकी मदद कर सकता है। क्वेश्चन कैन बी कि ये लोग अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बुला रहे, बट एज वी नो दैट दे आर ऑर्फेन, तो इनके माँ बाप कहाँ होंगे जो उन्हें बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज नो वन आंसर हर क्वेश्चन, वेयर इज Terenty? सो बच्चों, जब स्टोरी शुरू होती है तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि Fiocla पूरे गांव में Terenty को ढूंढती रहती है और सबसे पूछती है, अंकल वेयर इज Terenty, अंकल वेयर इज Terenty, बट कोई भी उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि सब ऑलरेडी बिजी होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, क्योंकि गाँव में तेज़ तूफान आने वाला है, उससे बचने की सबको ही तैयारी कर रहे हैं। लोग अपने सामान को घरों में रख रहे हैं, कोई खुद घर की तरफ भाग रहा है, एंड सो सच थिंग्स आर हैपनिंग देयर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, व्हेन Fiocla वाज सर्चिंग Terenty एट द विलेज, शी केप्ट आस्किंग वेयर इज Terenty टू एवरीवन, बट नो वन आंसर्ड हर बिकॉज ऑल वर बिजी बिकॉज ऑल वर बिजी, सब लोग बिजी थे। क्यों बिजी थे ये भी हमें बताना होगा। टू सेटल डाउन एज द स्टॉर्म वॉज कमिंग, एवरी वन वॉज बिजी टू सेटल डाउन, हर लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, अपने सामान को समेट रहे थे, और इस चीज़ में सब इतना ज़्यादा बिजी थे कि कोई भी Fiocla की बात को नहीं सुन रहा था, जब वो सबसे पूछ रही थी कि अंकल Terenty कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट बी अफ्रेड, इट इज नॉट फ्रॉम स्पाइट दैट इट थंडर्स, सेड Terenty, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल अस अबाउट हिम? सो बच्चों, जब Fiocla Terenty के साथ Danilka को ढूंढने जाने लगती है, तो रास्ते में ही काफ़ी जोर से बिजली गिर रही होती है, जिससे Fiocla को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसे लगता है कि इससे कुछ हार्मफुल हो जाएगा। तो उसको Terenty समझाता है कि डरो नहीं, ये सिर्फ बिजली गिर रही है, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो ये लाइंस Terenty के बारे में हमें क्या बतलाती हैं, हमें Terenty के नेचर के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में क्या पता चलता है? सो द अबव लाइंस टेल अस अबाउट Terenty दैट He was a very wise man, though he had never attended any school or college.
तो ये लाइन्स हमें ये बताती हैं कि टेरेंटी एक वाइज मैन है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है, एक चालाक इंसान है, जबकि वो कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गया था। दिस ऑल्सो शोज दैट टेरेंटी टुक केयर फॉर दोज चिल्ड्रेन। और इस लाइन से बच्चों हमें ये भी पता चलता है कि टेरेंटी इन अनाथ बच्चों की केयर किया करता था, इसलिए वो उन्हें समझाता था और उनको सही चीज़, सही नॉलेज दिया करता था। सो टेरेंटी वॉज लाइक देयर गार्जियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वॉट इज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ डैनियल का व्हेन ही सीज टेरेंटी। सो बच्चों, डैनियल का काफ़ी देर से पेड़ के पास उसका हाथ फंसा हुआ है, और अब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो वो भीगने भी लग रहा था। तो इसलिए जैसे ही वो डैनियल का जैसे ही ट्रिनिटी को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ट्रिनिटी से तुरंत कहता है कि अंकल प्लीज़ मेरे हाथ को यहाँ से बाहर निकलवाइए। तो इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों। व्हेन डैनियल का सीज टेरेंटी, ही सेज टू हिम दैट ही हैज़ नेवर सीन सच अ स्टॉर्म इन हिज लाइफ। ही रिक्वेस्टेड टेरेंटी टू रिलीज हिज हैंड फ्रॉम द ट्री। तो जैसे ही डैनियल का ट्रिनिटी को देखता है, वो कहता है कि अंकल मैंने इतना तेज़ तूफान तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, और अंकल प्लीज़ मेरा हाथ छुड़ा दीजिए क्योंकि मैं बारिश से भीग रहा हूँ। फाइन, आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर टोटल 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन द एंट हीप। सो बारिश के कारण जो एंट हीप था, एंट हीप मतलब जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, चींटियों का घर आप कह सकते हो, बारिश के कारण उसमें क्या हुआ। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि बारिश के कारण जो एंट हीप था, अब बारिश के कारण तो जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो हमारे बनाए घर भी टूट जाते हैं। उस तरीके से थोड़ी ही बारिश में क्या होता है कि चींटियों के बनाए हुए घर इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, तो वो थोड़ा पानी पाकर ही टूट जाते हैं। सो द एंट हीप इज ब्रोकन डाउन बाय द रेन एंड ऑल द एंट्स स्टार्टेड टू ड्राउन। सो जो चींटियों की जो बाम्बी थी, चींटियों का जो घर था, वो टूट जाता है बारिश के कारण, और सारी चींटियाँ इधर उधर भागने लगती हैं, और कुछ चींटियाँ डूबने भी लगती हैं। ड्राउन मीन्स व्हेन समबडी गेट्स इनसाइड वाटर, डूबने जब कोई लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। वॉट डज टेरेंटी डू व्हेन ही सीज द स्लीपिंग चिल्ड्रेन इन द बार्न। अब ये बच्चों स्टोरी के लास्ट की पार्ट है। कल आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें ये पार्ट आता है कि कैसे बच्चे जो होते हैं वो भूखे खाली पेट बार्न में, बार्न का मतलब होता है स्टेबल, जहाँ पर घोड़े वगैरह और घास वगैरह पैरे वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर ही बच्चे सो जाते हैं। और जब बच्चे सो जाते हैं तो रात में टेरेंटी उनके पास आता है और उनके तकिए के नीचे ब्रेड्स रख के चला जाता है, ताकि बच्चों की जब भी आँख खुले वो खाना खा सकें, क्योंकि ट्रिनिटी को पता था कि ये बच्चे भी मेरे जैसे भूखे होंगे, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया दिन भर। सो व्हेन ट्रिनिटी सीज द चिल्ड्रेन स्लीपिंग, ही पुट्स ब्रेड अंडर देयर पिलोज। ट्रिनिटी शोज हिज लव इन एब्सेंस ऑफ। ट्रिनिटी इन बच्चों की परवाह करता था, इनकी केयर करता था, और जब बच्चे एकदम सो रहे होते हैं, मतलब ट्रिनिटी उन्हें दिखाना भी नहीं चाहता था कि वो उनकी कितनी परवाह करता है, इसलिए जब बच्चे सो रहे होते हैं तब वो जा कर के उनके तकिए के नीचे ब्रेड्स को रख देता है। ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू एंड राइट नाउ, क्योंकि हम लोग इसी पार्ट में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेकंड में हम देखते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मैंने जैसे पहले बताया था, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है
कि हमें रेफरेंस बताना पड़ता है दी हुई लाइंस का और कॉन्टेक्स्ट बताना होता है। तो रेफरेंस का मतलब होता है कि ये लाइन हमने कहाँ से ली, किस किताब से ली, किस चैप्टर से ली, किस बुक से ली, ये सब बताइए। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इन लाइन में हो क्या रहा है ना। कहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब तुम किस बारे में बता रहे हो, क्या हो रहा है, उसको ही कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द बेयर फुट चाइल्ड इज पेल, हर आईज आर वाइड ओपन, हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग। तो इस लाइन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि फेफुला की ही बात हो रही है, क्योंकि फेफुला के ही पैरों में जूते नहीं थे, वो भूखी भी थी, उसके चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबराई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका भाई का हाथ फंस चुका था। ओके, सो रेफरेंस हम देंगे, रेफरेंस का मतलब कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। सो द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर 16, अ डे इन द कंट्री ऑफ आर बुक विंड शाइन्स। बच्चों रेफरेंस अगर एक ही चैप्टर के लाइंस दी जा रही हैं, जैसे कि इसमें हर बार आपसे एक ही चैप्टर में से पूछा जा रहा है, तो रेफरेंस सेम ही लिखेंगे, अलग अलग रेफरेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर्स की तो है ना। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि डेनिलका की बात हो, फ्योकला की बात हो रही है, क्योंकि वो घबराई है, परेशान है, इसलिए उसके चेहरा सफ़ेद हो चुका है और वो काफ़ी घबराई हुई दिख रही है। सो इसका हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द लिटिल गर्ल फ्योकला वॉज लुकिंग फॉर अ मैन टेरेंटी, द गर्ल वॉज वेरी टायर्ड एंड अफ्रेड टू। तो इस लाइन में हम ये देखते हैं कि फ्योकला नाम की एक गर्ल है जो कि एक टेरेंटी जो कि कॉबलर है उसे ढूंढ रही है, और ये गर्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, थकी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड भी है। अफ्रेड का मतलब डरी हुई है। सो हु इज़ द चाइल्ड, बच्चों आप सब जानते हो हु इज़ द चाइल्ड, हियर द चाइल्ड इज फ्योकला। वॉट इज स्टेट ऑफ माइंड इज शी इन, बच्चों स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है कि उस समय उसकी कंडीशन कैसी है, वो कैसा सोच रही होगी, उसको कैसी फीलिंग हो रही होगी। तो बच्चों अगर कोई भी गर्ल है या बॉय है जिसके भाई या बहन को प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस सोच रहे होंगे, है ना। सो फ्योकला इज़ वेरी एंशियस एंड अफ्रेड। सो अभी फ्योकला कैसी है, वो बहुत ज़्यादा एंशियस है, एंशियस मीन्स घबराई हुई है, बेचैन है और अफ्रेड है, मतलब उसे डर भी लग रहा है क्योंकि उसे ट्रिनिटी नहीं मिल रहा है। वॉट डज शी वॉन्ट टू नो एंड वाई, फ्योकला क्या चीज़ ढूंढ रही थी और क्यों। द गर्ल इज़ लुकिंग फॉर द कॉबलर टेरेंटी बिकॉज हर एल्डर ब्रदर डेनिलका हैज़ फास्टन हिज हैंड अंडर अ ट्री। तो आंसर आप सब जानते हो, फ्योकला ट्रिनिटी को क्यों ढूंढ रही थी। फ्योकला ट्रिनिटी को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उसका भाई का हाथ पेड़ के अंदर फंस चुका है और टेरेंटी ही उसे खोल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट में, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पार्टी कम्स आउट ऑफ द कॉप्स एंड वॉक्स अलॉन्ग द एज टूवर्ड्स द डार्केंड रोड। तो बच्चों ये लाइन में उस समय की बात हो रही है जब जब इन्हें डैनियल का मिल जाता है फियोक्ला और टेरेंटी को, और तीनों लोग जो हैं वो काउंट्स कॉप से बाहर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रेफरेंस बच्चों सेम ही चैप्टर है, सेम ही लेसन में से है, तो रेफरेंस सेम रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया सेम एज द प्रीवियस। बट आपको ये नहीं लिखना है, आपको जैसे पिछले आंसर में मैंने लिखा था पूरा एज इट इज कॉपी करना होगा। ओके, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ओके यू हैव टू राइट एवरीथिंग लाइक रेफरेंस लाइक दिस। आपको ये वाला रेफरेंस ही वहाँ पर जा कर के कॉपी कर लेना होगा। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर 16, अ डे इन द कंट्री ऑफ आर बुक विंड चाइम्स। क्यों, क्योंकि सेम ही तो है ना। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन दीज लाइन्स फ्योकला डेनिलका एंड टेरेंटी कम्स आउट ऑफ द काउंट्स कॉप्स एंड नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स द विलेज। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया ही था ये आपको। सो हु आर द पार्टी हेयर, है ना। पार्टी यहाँ पर किसको कहा गया है,
बच्चों पार्टी का मतलब होता है ऐसे डांस वगैरह खाने पीने वाली पार्टी को ही पार्टी नहीं कहते। अगर कुछ लोगों का ग्रुप है तो उसको भी पार्टी कहते हैं। जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें कहते हैं ना कि रूलिंग पार्टी है, तो पार्टी मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल। यहाँ पे किस किन लोगों की बात हो रही है? यहाँ पे इन्हीं लोगों की बात हो रही है, फियोकला डेनेलका एंड टेरेंटी। सो पार्टी हियर मीन्स फियोकला डेनेलका एंड टेरेंटी। इन तीनों का नाम हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक तो याद रखिएगा। वॉट वर दे डूइंग इन द कॉप्स, वो लोग उस जंगल में क्या कर रहे थे? आप सब जानते हो वो वहाँ पर क्यों गए थे। वो वहाँ पर डेनेलका को बचाने के लिए गए थे। सो दे वेंट इन टू द कॉप्स टू रेस्क्यू डेनेलका। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को सेव करके बचाना। ठीक है, सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द रोड डार्केंड। डार्केंड का मतलब होता है कि रोड पे इतना अंधेरा क्यों था। अब बच्चों दिन का समय है फिर भी रोड पे अंधेरा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल घने हुए थे, क्योंकि अभी अभी तूफान आया था और बहुत ज़्यादा काले काले बादल थे, इस वजह से रोड जो है वो डार्केंड थी। द रोड इज डार्केंड बिकॉज इट इज़ वेरी क्लाउडी डे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच ऑल्सो। अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट में आते हैं एंड इट्स ऑल्सो वेरी इजी, यू विल ईजली अंडरस्टैंड। दे हैव बीन फ्लडेड द रोड्स। तो बच्चों इस लाइन में फियोकला जो है वो चींटियों की तरफ देखती है, एंट्स एंट्स की तरफ देखते हुए बताती है कि अंकल ये देखिए इनका घर तो टूट गया और ये जो बच्चे हैं, ये जो चींटियां हैं, ये लोग तो पानी में डूबने लग रही हैं और इधर उधर ऐसे भाग रही हैं जैसे रोग्स हो। रोग्स मतलब अ काइंड ऑफ मैड पर्सन, इधर उधर जो पागलों के जैसे भागे, है ना? सो रेफरेंस सेम एज क्वेश्चन वन, तो आप ये मत लिखना, आप पूरा रेफरेंस कॉपी करना। द अबव लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, इसको पूरा लिखना। कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी जो बताया उसी चीज को हम कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे। इन दीज लाइन्स द गर्ल फियोकला इज लुकिंग एट द हीप ऑफ एंट्स विच हैज बर्स्टेड। इन लाइन्स में फियोकला जो है वो एंट्स की हीप को देखती है जो कि बर्स्ट हो चुका है, फट चुका है, टूट चुका है। सो हु इज द स्पीकर? यू ऑल नो इट्स वेरी इजी, फियोकला इज द स्पीकर। फियोकला ही तो ये लाइन्स कह रही है ना। हु आर दे हियर? यहाँ पर दे किसे कहा गया है? दे देयर होम, दे आर मूविंग, ये कौन है? एंट्स ही तो है ना। सो दे हियर इज रिफर्ड टू एंट्स, यहाँ पर चींटियों को दे के नाम से बुलाया गया है। व्हाई डज द स्पीकर कॉल देम रोग्स? स्पीकर उन्हें रोग क्यों कहता है? स्पीकर उन्हें मैड काइंड ऑफ क्यों कहता है? क्योंकि वो लोग ऐसे भाग रहे थे इधर उधर पागलों की जैसे, इस वजह से वो रोग्स कहती है। फियोकला कॉल्स देम द एंट्स एज रोग्स बिकॉज व्हेन द हीप गॉट बर्स्ट ऑल द एंट्स स्टार्टेड टू मूव हियर एंड देयर लाइक मैड्स। चींटियां इधर उधर एकदम पागलों के जैसे भागने लगती हैं, इसलिए फियोकला उन्हें रोग्स कह करके बुलाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल आरसीटी इज बीन डन नाउ एंड नाउ डोंट वरी, मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपके लिए भी सारा कुछ समझना एक दिन में ईजी नहीं होगा। सो आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर एंड बिफोर आई स्टॉप आई वुड लाइक टू विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एज न्यू ईयर इज कमिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लाइक वेन एवर अ न्यू ईयर कम्स, इट कम्स विद न्यू होप, न्यू चैलेंज, न्यू एक्सपेक्टेशंस। तो हर नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर के आता है, हमारे लिए नए चैलेंजेस लेकर के आता है, हमारे लिए नई खुशियाँ लेकर के आता है ना? तो आप लोग लास्ट डे को भी सेलिब्रेट करो 2020 का, और कल तो सेलिब्रेशन का दिन ही है, उसे भी इंजॉय करो। एंड होमवर्क प्लीज नोट इट डाउन दैट योर होमवर्क इज टू लर्न एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट इन दिस वीडियो टुडे। आज पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप याद करोगे, साथ ही साथ जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे रोग की मीनिंग आपको नहीं मालूम होगी उसे याद करिए, उसी तरीके से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें दिए हैं और जिस वर्ड्स की मीनिंग नहीं दी है मैंने वीडियोस में बताया है उसे भी आप लोग याद करिए बाय हार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ नोट एवरीथिंग
आई होप कि आप लोग कॉपीज बना रहे हो सारे आंसर्स की। इसको मैं पीडीएफ में भी करके भेजूंगा, और आप चाहो तो ऐसे वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। फाइन, तो जैसे ठीक लगे बच्चों, आप लोग वैसा करो। इंजॉय योर डे एंड आई विश यू वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्स।